हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में कि लोग सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में क्यों ओपन करवाने से डरते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर इसमें अकाउंट ओपन कर लो तो इनके जो चार्जेस हैं बहुत अलग अलग हैं। आखिर लोगों को क्यों इस बैंक से इतना घृणा होती है, ऐसी क्या बात है, पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। सो प्लीज चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने इंडिया में जितने भी बैंक हैं, सब बैंक की पॉलिसी अलग अलग है। चाहे आपका HDFC हो, चाहे आपका SBI हो, चाहे आपका कोटक हो, चाहे सिटी, चाहे आपका कोई भी बैंक हो, सभी बैंक की जो पॉलिसी है वो अलग अलग होती है। कुछ पॉलिसी तो मिलती जुलती है और बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। बट यहाँ पे लोग एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, प्री अप्रूव ऑफर लेते हैं, तरह तरह के बेनिफिट लेते हैं, बट ऐसी क्या बात है कि लोग इसमें अगर अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो क्यों इन्हें इतना चार्ज देना पड़ सकता है, क्या वजह है, क्या रीजन है, पहले ये आप जान लीजिए। दोस्तों, जब UPI सर्विस पे आया था रूल्स की अब UPI सर्विस पे आपको चार्ज लगना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने सबसे पहले इस चीज को दिखाया था कि हम जो है इतने ट्रांजेक्शन फ्री देंगे, बाकी का चार्जेस हम लेना चालू करेंगे, और इसके बाद और बैंक भी सामने आए। दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें आई कि लोग एकदम डर गए कि यार हमारा तो अकाउंट एक्सिस बैंक में है, क्यों ये बैंक सबसे पहले इस चीज के लिए आगे आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक की जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसी है, वो बैंक उसके भी यहाँ पे काम करती है। हमसे कुछ लोग ईमेल पूछते हैं कि मैं एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर लूं कि ना कर लूं। दोस्तों देखिए, कभी भी अगर आप चाहे एक्सिस में अकाउंट ओपन करें, चाहे ICICI बैंक में अकाउंट करें, चाहे कोटक में अकाउंट ओपन करें, मेरा दो बात याद रखना, इसे भूलना मत। पहला कि कभी भी जो आपका अकाउंट ओपन होता है, अगर आप मेंटेनेंस करते हो तो मेंटेनेंस बराबर करना, कभी भी आप मेंटेनेंस बैलेंस को कभी भी लो मत करना, इससे आपको फाइन चार्ज लगेगा। दूसरा, अगर आपका ये मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है तो इस अकाउंट में कभी गलती से भी ECS एक्टिवेट मत करवाना। अगर आप करवा दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कभी पैसा आपके पास ना रहा, भगवान करे कभी ऐसा आपके संग ना हो, अगर पैसा आपके पास नहीं रहा, अगर ECS बाउंस होता है तो आप एकदम थक जाओगे। बैलेंस मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करोगे तो बैलेंस जो आपका मेंटेनेंस है और उसी में से ये लोग ECS काट के उड़ाएंगे। बैलेंस तो कम हो गया, जब बैलेंस कम हुआ इधर बैंक जो है अपना नया दिमाग लगाएगा, भाई आपने मेंटेनेंस नहीं किया, हमें चार्ज दो जो हमारी पॉलिसी है। तो दोनों तरफ से आप लूटोगे। तो कभी भी आप मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट में ECS को एक्टिवेट ना करें, हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करें और इसी में ECS को ओपन करें। इससे आपकी किस्त टाइम पर जो जाती है उतना पैसा जमा करो। अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो आपको एक बारी फाइन चार्ज लगेगा, यहां पे मेंटेनेंस करने वाले ने आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, ये बातें याद रखना। और अगर आप मेंटेनेंस करने वाले में जितना अधिक पैसा रखोगे और जितना ECS चाहेंगे उतना बार वो काटेंगे, आपको परेशान करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। RBI को मेल करोगे, वहां मेल करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक बोलेगा कंपनी के पास जाओ, कंपनी के पास मेल करोगे, कंपनी बोलेगी बैंक के पास जाओ, इसी में आपकी टाइमिंग खराब हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, लास्ट में थक के हार के बैठ जाओगे और फिर किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के कमेंट करोगे, उनको ईमेल करोगे, फिर वही सवाल आपके सामने आएगा। तो हम कहते हैं कि कोई काम करने से पहले क्यों ना हम सुधार कर लें। अगर हम पहले सुधार करके रखेंगे तो हमें तकलीफ क्यों झेलना पड़ेगा। आज यही कारण है कि अपने देश में लोग परेशान हैं सिर्फ ECS चार्ज को लेकर कि हमारा पैसा अकाउंट से कट जाता है। तो एक्सिस बैंक जो है वो बहुत अलग बैंक है। अगर आप इसमें अकाउंट बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करते हो तो दिक्कत देखो सब बैंक में होता है, बट इस बैंक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो कभी भी आप जो है हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट, आपका SBI है, आपका कोटक महिंद्रा 811 है, और भी कुछ बैंक हैं, तो इसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाइए। मेंटेनेंस वाला अकाउंट सोच समझ के ओपन करवाना, कि चार्जेस तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक के मामले में अगर आप मुझे सलाह लोगे क्या मैं इसमें अकाउंट ओपन करूं, तो भाई देखो मेरा सलाह ये है कि मैंने अपने लाइफ में जब तक मैं आज करीबन
10 से 12 साल से मैं इस लाइन में हूं और आज तक मैं कभी मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया। रीजन ये है कि मैं अपना पैसा क्यों जो है वहां पे इनके पास छोड़ूं, ना मुझे कोई बेनिफिट ना कोई फायदा। मैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करता हूं, जीरो बैलेंस के मेरे 4 से 5 अकाउंट है, मैं सभी में पैसा रखता हूं बट कभी मेंटेनेंस करने वाले चक्कर में नहीं पड़ता हूं। कारण ये है, अपना पैसा रखो, अगर कभी उसमें लोन एक्टिवेट करवा दो, ईसीएस तो बाउंस होगा ही, उसका चार्ज तो लेंगे ही, प्लस बैलेंस मेंटेनेंस नहीं उसका चार्ज अलग से देंगे। तो हम क्यों करें, आपकी मर्जी, पैसा आपका है, सोच भी आपका होना चाहिए। जो मैंने कहा क्या सही कहा गलत कहा मुझे कमेंट में बताना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, मतलब कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।